नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जो है प्रांत कार्यालय है, और प्रांत कार्यालय के ठीक यहाँ समक्ष पाई गांव के कुछ लोग जो है उपोषण पर बैठे हैं। और उपोषण पर क्यों बैठे हैं इसकी पूरी जानकारी हम इनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है, उस उपोषणकर्ता जो है तुषार रोहिदास भूरे, इनके माध्यम वो ये यहाँ पर उपोषण पर बैठे हैं। उनके साथ में एक 85 वर्ष की वृद्ध महिला, यानी कि यहाँ पर बुजुर्ग महिला भी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी उम्रदार है और इस उपोषण में वो भी शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। ये उपोषण किन कारणों से यहाँ पर किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी पाए गाँव के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर उपोषण क्यों किया है? ये इनका जगह है, इनका जगह है। वो प्रकल्प में गया है, उसका मुआवजा उनको नहीं दिया गया है। आप उपोषण पे बैठे हैं, मतलब क्या प्रकरण क्या है पूरा, उसका पूरा पूरी जानकारी विस्तार से। जो जमीन गया है उसमें रेलवे में, वो हमारा जा रहा है, और उस जो पैसा आया था उसका रेलवे का DFC का, उसने उसको शेरू कौन करके उसको दिया है पैसा। तो ये आपको मतलब जो वहाँ रेलवे में आपकी जमीन गई है तो जो मुआवजा आपको मिला नहीं है? नहीं मिला है। क्या यहाँ पर प्रांत अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया और क्या कहा अभी तक, कि मतलब उन्होंने कहा था देने के लिए? तो कुछ नहीं कहा है, पहले बोला था कि नाम लगा के लेके आओ, अभी नाम लगा के लेके गए तो बोलते हैं वो पैसा तो दिए है, अभी नहीं बोले आगे जाओ तुम। तो आगे जाने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं खर्चा करने के लिए, अब तक 10 साल हुआ हमारा नाम लगाते लगाते, और आप ये बोल रहे हैं कि अभी आगे जाओ। आगे 10 साल हो गया, मतलब आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला। तो पूरा मामला 10 साल का बताया जा रहा है कि 10 साल हो गया है इनकी जमीन जो है वहाँ पर जमीन जो है रेलवे के कुछ हिस्से में गई थी, जिसका मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन 10 साल हो गए इनको मुआवजा नहीं दिया गया। और कहा कि इनकी लड़ाई जो है आगे से लड़नी पड़ेगी, लेकिन पैसे की कुछ दिक्कत है इनको। क्या और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज यहाँ पर आप उपोषण पर बैठे हैं, ये आपका उपोषण कब तक रहेगा? जब तक आपने को न्याय नहीं मिलेगा तब तक। क्या नाम है आपका? तुषार रोहिदास भूरे। तो ये थे तुषार रोहिदास भूरे, जो अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिले तब तक यहाँ पर उपोषण पर इसी तरह बैठे रहेंगे। बात की जाए तो ये जो पूरा मामला है जमीन को मुआवजे को लेकर है, जो रेलवे के हिस्से में गया हुआ था, और 10 साल ही पूरे मामले को हो चुका है। आगे की अपडेट के लिए इसी तरह जुड़े रहें, फिर मिले किसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।